नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए अब केजरीवाल सरकार ने कोरोना पाबंदियों में और छूट देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की तरफ से कोरोना पाबंदियों में छूट के तहत दिल्ली में अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। अभी तक शादी समारोह में 100 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत थी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी अब 200 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स में भी अब 100% सिटिंग क्षमता के साथ चलने की इजाजत दी है। आपको बता दें, अभी तक सिनेमा थिएटर 50% सिटिंग क्षमता के साथ ही चल रहे थे। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में छूट 1 नवंबर से जारी होगी। आदेश में कहा गया है कि सिनेमा घरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे और आधिकारिक दिशा निर्देशों के मुताबिक ही परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। आपको बता दें, DDMA ने दिल्ली में सभी साप्ताहिक बाजारों को भी 1 नवंबर से दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।